हैं अलहक को महसूस, तो इब्न अरबी कहते हैं अलहक को महसूस वल खल्क को माकूल। यही दो वजूद की कैटेगरीज हैं ना कि मखलूक हैं और खालिक हैं। तो वो कहते हैं कि हक एम्पेरिकल है और मखलूक जो है वो इमेजिनल है। कहते हैं शुबा तो हमें अपने आप पे होना चाहिए था, हमने अपने पे शुबा करने की बजाय उस पे शुबा करना शुरू कर दिया जो हर तरह से साबित है। अब ये कौल अगर मैं फंस गया कि इसको लूँ और वेस्ट में जाके कहूँ कि ये हमारा वो है, हमारा नैरेटिव एक मैदान में ये है, मैं इसको डिफेंड कर सकता हूँ, तो ये है कोई कहने वाला हमारे यहाँ। इसी तरह इब्न अरबी का एक कौल है जो अख्लाक की बुनियाद है। अब ये बताने में देर लगेगी कि ये बुनियाद कैसे है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो हिडन रब्त ढूंढने की सलाहियत लूज कर चुके हैं, जो इल्म की सबसे बड़ी पहचान है कि अनकहा जो जंक्शन है उसको समझना, कि जन्नत के फल दोजख की गर्मी से पकते हैं। अब मतलब या इस पर कुछ मतलब ज़रा सा खुश होंगे, ऐसे आदमी ने कहा है कि दांते ये नहीं कह सका इब्न अरबी की नकल करने के बावजूद यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो एक फ़िक्रे में पूरी डिवाइन कॉमेडी को उल्टा कर दिया इब्न अरबी ने कि जन्नत के फल दोजख की गर्मी से पकते हैं, यानी यहाँ तकलीफ़ें झेलोगे तो राहत मिलेगी, तकलीफ़ के बग़ैर राहत ये गधों घोड़ों को मिलती है इंसानों को नहीं। क्योंकि तकलीफ़ उठाए बग़ैर राहत मिलेगी तो वो बहुत खुदगर्ज़ बना देगी, तकलीफ़ उठा के जो राहत मिलेगी वो सेल्फलेसनेस सिखा देगी।